हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नया और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो के माध्यम से है ना मेरे टाइटल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नींबू के फायदा बताने वाला हूँ। नींबू में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपकी स्किन में किसी भी जगह पे दाद, खाज, खुजली हुआ है, उसके लिए सबसे रामबाण दवा है। जी हाँ, अगर विटामिन सी किसी भी, ये नींबू की बात नहीं करूँ, किसी भी फल में पाया जा रहे हैं, तो उसके अगर रस को लगा दिया जाए दाद, खाज, खुजली वाले हिस्से पे, तो दाद, खाज, खुजली दूर हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन में दाद, खाज, खुजली आ गए हैं, तो नींबू का रस लगा देने से दाद, खाज, खुजली दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर मेरे वीडियो में बताया जा रहे जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे परेशानी को हम घर पर ही रह करके घरेलू नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। हमें डॉक्टरों को मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हमें आयुर्वेद की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दांत दर्द होने पर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, जबकि दोस्तों अगर आप नींबू का प्रयोग करेंगे ना तो दांत दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। नींबू को 8 से 10 शीशे में टुकड़े कर लीजिए और इसके एक टुकड़े को जिस भी दांत में दर्द हो रहे हैं या जिस साइड में दांत दर्द हो रहे हैं उस साइड में दबा दीजिए। ये बहुत ही खट्टापन होता है नींबू में दोस्तों, जो कि दांत के दर्द को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों में सड़न की वजह से दर्द हो रहे हैं, उसे यह दूर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी दर्द हो रहे हैं दांत हिलने की वजह से, उसे यह दर्द, उसके यह दर्द को दूर करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन को दूर करने का काम करता है। जी हाँ, अगर प्रतिदिन खाली पेट नींबू का पानी पिया जाए तो किडनी को तोड़ने का काम करते हैं और चूर चूर करके पेशाब नाल से बाहर निकाल देते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप सभी को पता है डायबिटीज़ की बीमारी इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाने के कारण होता है, और ये ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन रखने का काम करते हैं। हम हर वीडियो में अपने दर्शकों को दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी बताते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा आपको फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जितने भी जो भी समस्या आपको आती है, जो भी प्रॉब्लम या जो भी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो एक बार घरेलू नुस्खे का ही सहारा लेना चाहिए। आज भी बहुत से लोग है ना गाँव में रहने वाले घरेलू नुस्खे का ही प्रयोग करते हैं, फिर बाद में चल करके बीमारी ठीक नहीं होते तो डॉक्टरों के पास जाते हैं या फिर मेडिसिन दवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों 99% लोगों को घरेलू नुस्खे से ही बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद ये खराब गला को ठीक करने का काम करता है। नींबू पानी को गुनगुना करके पीने से गले की जो खराबी होती है वह दूर हो जाती है। और वजन कम करने के लिए आपको YouTube में बहुत सारे जानकारी मिले होंगे कि शहद के साथ अगर नींबू का पानी पिया जाए तो तेजी से हमारे जो वजन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, वह घटती है। कैंसर जैसे भयानक बीमारी को भी अगर नींबू का सेवन किया जाए तो दूर हो जाते हैं। और वीडियो आखिरी करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपके चेहरे में किसी भी प्रकार के किल मुहासे आ गए हैं तो नींबू आप अपने चेहरे पर रगड़िए, बिल्कुल ही दोस्तों चेहरे के किल मुहासे दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ नींबू रगड़ने के बाद नींबू बस का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके बाद आपको थोड़ा बहुत शहद लगाना चाहिए ताकि जो आपके चेहरे को पोषक तत्वों की जरूरत होती है वह शहद से मिल जाती है। तो ये थे लाजवाब फायदे नींबू के। अगर और भी आप जो नींबू के फायदे जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताए गए जानकारी को हम अपने दर्शकों को बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।